Hello students, welcome to digital classroom. Today we are going to study a new lesson on the face of Hill, written by Susan Hill. Susan Hill was born in 1942. She is an English author of fiction and non-fiction works. She has written many novels, include The Woman in Black, The Mist in the Mirror, and I Am the King of the Castle. She has received many awards like Somerset Maugham Award in 1921. Before you read, this is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. What is the bond that unites the two? This story is about a teenage boy, Derry, who has a burnt face, and Mr. Lamb, who is a disabled old man. He has an artificial leg made of tin. Accidentally, Derry enters his garden so that he can hide himself from the people who hate him because of his ugly face. Mr. Lamb not only welcomes him in his garden but also encourages him to lead a normal life, leaving behind his past. Let's see the lesson. Mr. Lamb's garden. Mr. Lamb ka garden. There is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. यहाँ पर समय समय पर पक्षियों के चहचहाने और वृक्ष की पत्तियों के सरसराने की आवाज़ें आती हैं. Derry's foot steps are heard as he walks slowly and attentively through the long grass. Derry के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ती है. As he walks slowly and tentatively through the long grass. जैसे ही वह slowly और tentatively, जैसे ही वह धीरे धीरे और सावधानी से लंबी लंबी घास पर चलता है तो उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देती है. He pauses, वह रुकता है. Then walks on again, और फिर दोबारा चल पड़ता है. He comes round a screen of bushes, वह झाड़ियों के पास आता है. सो दैट वेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड, और तभी जो श्रीमान लैम है, जो मिस्टर लैम है, उससे एक हाथ की दूरी पर हैं, वो उसको आवाज़ देते हैं. एंड डेरी इज़ स्टार्टल्ड, और जो डेरी है वो चौंक पड़ता है. मिस्टर लैम माइंड द जो मिस्टर लैम है वो कहते हैं सेबों को देखो, सेबों की ओर ध्यान दो. तो डेरी बोलता है व्हाट, हुज दैट, हुज देयर. डेरी कहता है क्या, वह कौन है, हुज देयर, वहाँ कौन है. मिस्टर लैम, लैम्स माय नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स, दोज आर, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप. तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि मेरा नाम लैम है, माइंड द एप्पल्स, सेबों को देखो, क्रैब एप्पल्स दोज आर, ये जंगली सेब हैं, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, और हवा इन्हें बड़ी घास पर गिरा देती है. यू कुड ट्रिप, और तुम इनको उठा सकते हो, तुम इनको ले सकते हो. डेरी आई देयर, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस. I did not know there was anybody here. I, डेरी कहता आई, मैं, देयर, वहाँ. I thought this was an empty place. मैंने सोचा था कि यह एक खाली जगह थी. I did not know there was anybody here. मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई है. Mr. Lamb, that's all right. Mr. Lamb बोलते हैं कि यह सही है. I am here, मैं यहाँ हूँ. What are you afraid of? तुम किस लिए डर रहे हो? Boy,
लड़के तुम किस लिए डर रहे हो? दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है। डेरी आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। तो डेरी कहता है मैंने सोचा था कि यह खाली था, एन एम्प्टी हाउस और खाली घर है। मिस्टर लैम सो इट इज़, तो मिस्टर लैम बोलते हैं तो यह है। सिंस आई एम आउट हीयर इन द गार्डन, चूँकि मैं यहाँ गार्डन में बाहर हूँ, इट इज़ एम्प्टी, यह खाली है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं अंदर नहीं जाता। इन द मीन टाइम आई एम आउट हीयर एंड लाइकली टू स्टॉप, इसी बीच में मैं यहाँ बाहर हूँ और एक तरह से रुका हुआ हूँ। अ डे लाइक दिस, ऐसा दिन, ब्यूटीफुल डे, सुंदर दिन, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, और यह अंदर रहने का दिन नहीं है, इतना सुंदर दिन है कि यह दिन अंदर रहने का नहीं है। डेरी पैनिक, आई हैव गॉट टू गो। अब जो डेरी है वो डरते हुए बोलता है, पैनिक होते हुए बोलता है आई हैव टू गो, मुझको जाना है। मिस्टर लैम नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल। तो मिस्टर लैम बोलते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मैं इसकी परवाह नहीं करता कि बगीचे में कौन आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, इसका जो गेट है, इसका जो दरवाज़ा है वो हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, केवल तुम ही बगीचे की दीवार को लांघ कर कूद कर आए हो। डेरी एंग्री, यू वर वॉचिंग मी, तो जो डेरी है वो एंग्री होता है, गुस्सा होता है, गुस्से में बोलता है यू वर वॉचिंग मी, तुम मुझको देख रहे थे। मिस्टर लैम आई सॉ यू, बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिट। तो मिस्टर लैम बोलते हैं आई सॉ यू, मैंने तुमको देखा, बट द गेट्स ओपन, परंतु जो दरवाज़ा था वो खुला था, ऑल वेलकम, सभी का स्वागत है, यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है, आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, आई लाइक सिटिंग, और मुझको बैठे रहना अच्छा लगता है। तो डेरी बोलते हैं आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, डेरी कहता है कि मैं यहाँ कुछ चुराने के लिए नहीं आया था। मिस्टर लैम नो नो द यंग लेट्स स्टील स्क्रम्स द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं नहीं यंग लैड्स, जो बड़े लड़के हैं वो स्टील करते हैं, वो चोरी करते हैं। स्क्रम्स द एप्पल्स, सेबों को तोड़ते, स्क्रम्स मीन्स तोड़ना, तो सेबों को तोड़ते हैं, यू आर नॉट सो यंग, और तुम इतने बड़े नहीं हो। तो फिर डेरी बोलता है आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, तो डेरी बोलता है कि मैं केवल अंदर आना चाहता था, बगीचे के अंदर आना चाहता था। मिस्टर लैम सो यू डिड, हियर वी आर देन, तो तुमने ऐसा किया और अब हम दोनों यहाँ पे हैं। डेरी बोलता है यू डोंट नो हु आई एम, डेरी कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम अ बॉय 13 और सो, तो मिस्टर लैम कहते हैं एक लड़का 13 साल का या उससे अधिक। तो डेरी बोलता है 14, 14 साल का, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, मैं 14 साल का हूँ, 14 ईयर्स का हूँ। पॉज, रुकता है, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय, परंतु मुझको जाना है, अलविदा। मिस्टर लैम नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। तो मिस्टर लैम बोलते हैं डरने की, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ गार्डन, केवल एक बगीचा है, जस्ट मी, और यहाँ केवल मैं हूँ। डेरी बोलता है बट आई एम नॉट अफ्रेड, पॉज,
पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी. तो टेरी बोलता है बट आई एम नॉट, परंतु मैं नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरता हूँ. पॉज, रुकता है. पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं. मिस्टर लैम, वाई शुड दैट बी, वो लोग तुमसे क्यों डरते हैं, या तुम उन लोगों को तुमसे क्यों डरना चाहिए, मतलब वो लोग तुमसे क्यों डरते हैं. तो टेरी बोलता है एवरी वन इज, इट डजेंट मैटर हु दे आर, हर कोई डरता है, इट डजेंट मैटर हु दे आर, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है कि वो कौन है, और व्हाट दे से, और वे लोग क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, और वे कैसे दिखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, और कैसे बहाना करते हैं. आई नो आई कैन सी, आई नो मैं जानता हूँ, आई कैन सी मैं देख सकता हूँ. मिस्टर लैम, सी वॉट, क्या देख सकते हो. तो डेरी, वॉट दे थिंक, वे लोग जो सोचते हैं. मिस्टर लैम, वॉट डू दे थिंक देन, फिर वो लोग क्या सोचते हैं. डेरी बोलता है यू थिंक, हियर्स अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग्स, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सा. यू थिंक पुअर बॉय, बट आई एम नॉट, नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, एनीबडी वुड बी, आई एम, वेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी. तो डेरी बोलता है यू थिंक, तुम सोचते हो, हियर्स अ बॉय, यह एक लड़का है, यू लुक एट मी, तुम मुझको देखते हो, एंड देन यू सी माई फेस, और फिर तुम मेरे चेहरे को देखते हो, एंड यू थिंक, और तुम सोचते हो दैट्स बैड, कितना बुरा है, कितना खराब है, दैट्स अ टेरिबल थिंग्स, कितनी भयानक चीज़ है, दैट्स द अगलीस्ट थिंग, कितनी कुरूप चीज़ है. आई एवर सा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा. यू थिंक, तुम सोचते हो, पुअर बॉय, कितना बेचारा लड़का है, बट आई एम नॉट, परंतु मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट पुअर बॉय, मैं बेचारा नहीं हूँ, नॉट पुअर, मैं पुअर नहीं हूँ, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, इसके बजाय कि तुम मुझसे डरे हुए हो. एनीबडी वुड बी, हर कोई मुझसे डरता है. आई एम, मैं हूँ, व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं मिरर में देखता हूँ, एंड सी इट, और इसको देखता हूँ, अपने चेहरे को देखता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं स्वयं से डर जाता हूँ. मिस्टर लैम, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं, तुम सभी लोगों से नहीं, नॉट ऑफ यू, तुमसे नहीं. डेरी, यस. पॉज, जो डेरी है वो कहता है हाँ, फिर पॉज हो जाता है, थोड़ा रुक जाता है. मिस्टर लैम, लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर, आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोज ग्रेवेपर्स. तो मिस्टर लैम कहते हैं लेटर ऑन, बहुत बाद में, व्हेन इट्स अ बिट कूलर, जब थोड़ी ठंड हो जाएगी, आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक, मैं एक सीढ़ी और एक छड़ी लाऊंगा, एंड पुल डाउन दोज ग्रेवेपर्स, और उन जंगली सेबों को नीचे गिराऊंगा, दे आर राइप फॉर इट, और वे पके हुए हैं. आई मेक जेली, मैं जेली बनाता हूँ. इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर सेप्टेम्बर, और जो सेप्टेम्बर होता है, इस सेप्टेम्बर का जो मंथ होता है, ये साल का सबसे अच्छा महीना होता है. लुक एट देम, ऑरेंज एंड गोल्डन, उन ऑरेंज और गोल्डन कलर के जो एप्पल्स हैं, उनको देखो. दैट्स मैजिक फ्रूट, यह जादुई फल है. आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन यह सबसे अच्छी तरह से पिक्ड किया जाता है, सबसे अच्छी तरह से तोड़ा जाता है और जेली बनाई जाती है. यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम मेरी मदद कर सकते हो. डेरी, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर. तो डेरी कहता है कि तुमने सब्जेक्ट को क्यों चेंज कर दिया, तुमने विषय को क्यों बदल दिया. पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ही ऐसा करते हैं.
Why don't you ask me? तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते हो? Why do you do what they all do? तुम ऐसा क्यों करते हो जैसा वे सभी लोग करते हैं? I'm pretend it isn't true and isn't there. और प्रिटेंड करते हो और यह बहाना करते हो कि यह सच नहीं है और यहाँ नहीं है. In case I see you looking and mind and get upset. और इस मामले में तो मैं तुम्हें देखता हूँ और तुमको यह पाता हूँ कि तुम कितना बुरा मान रहे हो और कितना बेचैन हो रहे हो, कितना अपसेट हो रहे हो. I'll tell, मैं बताऊँगा. You don't ask me because you are afraid to. मैं तुमको बताऊँगा कि तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते हो. तुम मुझसे इसलिए नहीं पूछते हो because you are afraid to, क्योंकि तुम मुझसे भयभीत हो, तुम मुझसे डरे हुए हो. मिस्टर लैम, यू वांट मी टू आस्क, से सो दे. तो मिस्टर लैम कहते हैं, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं, तो फिर कहो. डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल. तो डेरी कहता है, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, किसी भी व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं है. मिस्टर लैम, तो मिस्टर लैम बोलते, आई शुड से आई टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर. तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि मुझे कहना चाहिए, आई शुड से मुझे कहना चाहिए, टू लुक एट इट, इसको देखकर, आई शुड से मुझे कहना चाहिए, यू गॉट बर्न इन अ फायर, कि तुम आग में जल गए हो. डेरी, नॉट इन अ फायर. तो डेरी कहता, नहीं, आग में नहीं जला हूँ. आई गॉट ए सिट ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस. मेरे चेहरे के इस पार्ट में एसिड गिर गया था एंड इट बर्न इट ऑल अवे, और इसने इसको पूरी तरीके से जला दिया. इट एट माई फेस, और यह मेरे चेहरे को खा गया. इट एट मी अप, यह मुझको भी खा गया. एंड हाउ इट्स लाइक दिस, और अब यह इस तरह का है. एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और इसमें कभी भी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा. मिस्टर लैम, नो. जो मिस्टर लैम है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. डेरी, आरेंट यू इंटरेस्टेड. तो डेरी कहते हैं, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मिस्टर लैम, यू आर ए बॉय हु केम इनटू द गार्डन. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम एक लड़के हो जो इस बगीचे में आए हो. प्लेंटी डू, इतना ही काफ़ी है. आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, मुझे हर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, हर कोई मुझे पसंद है. एनी थिंग, हर चीज़ पसंद है. देयर्स नथिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है. गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको गॉड ने बनाया हो, भगवान ने बनाया हो और मुझे उसमें रुचि ना हो, वो मुझे अच्छी ना लगे. लुक ओवर देयर, वहाँ देखो. ओवर बिसाइड द फॉल वॉल, ओवर बिसाइड द फॉल वॉल, वहाँ दूर दीवार पर देखो. व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो? डेरी, रबिश. तो डेरी कहता है, रबिश मीन्स कूड़ा कचरा. तो मिस्टर लैम, रबिश कूड़ा कचरा. लुक बॉय लुक, देखो लड़के देखो. व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो? डेरी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ एंड वीड्स. तो डेरी बोलते हैं कि मुझे केवल ग्रास दिखती है. ग्रास मीन्स घास, स्टफ यूजलेस थिंग्स, वीड्स वाइट वाइल्ड प्लांट्स. तो डेरी बोलते हैं कि मुझको यहाँ पर सिर्फ ग्रास दिख रही है और स्टफ दिख रहा है और वाइल्ड प्लांट्स दिख रहे हैं. मिस्टर लैम, सम कॉल देम वीड्स. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि कुछ लोग इनको वाइल्ड प्लांट्स बोलते हैं, जंगली पौधे बोलते हैं. इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहते हो तो फिर अ वीड गार्डन, अगर तुम्हें पसंद है तो यह एक जंगली पौधों का बगीचा है. दैट देयर्स फूड, वहाँ फल भी हैं,
देयर आर फ्लावर्स और फूल भी हैं एंड ट्रीज एंड हर्ब्स पेड़ भी हैं एंड हर्ब्स और जड़ी बूटियाँ भी हैं ऑल सॉर्ट्स सभी प्रकार के हैं बट ओवर देयर पर उन सब पर भी अब वीड्स जंगली पौधे आई ग्रो वीड्स देयर हाँ मैं यहाँ जंगली पौधे उगाता हूँ वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड क्यों एक हरा उगता हुआ पेड़ जंगली पौधा कहलाता है और दूसरा पौधा फूल कहलाता है वेयर्स द डिफरेंस कहाँ है अंतर अंतर कहाँ है इट्स ऑल लाइफ यही सब जीवन है ग्रोइंग उगता हुआ सेम एज यू एंड मी जैसे कि तुम और मैं हैं डेरी वी आर नॉट द सेम डेरी कहता है नहीं हम एक जैसे नहीं हैं मिस्टर लैम आई एम ओल्ड यू आर यंग मैं ओल्ड हूँ मैं बूढ़ा हूँ और यू आर यंग तुम युवा हो यू हैव गॉट अ बर्न फेस तुम्हारे एक जला हुआ चेहरा है आई हैव गॉट अ टिन लेग और मेरा एक लोहे का पैर है नॉट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यू आर स्टैंडिंग देयर तुम वहाँ खड़े हुए हो आई एम सिटिंग हियर और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ वेयर्स द डिफरेंस कहाँ है अंतर अंतर कहाँ है डेरी वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग अब डेरी पूछता है कि तुम्हारे लोहे का पैर क्यों है मिस्टर लैम रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि सालों पहले जो मेरा असली पैर था वो धमाके में चला गया था लैमी लैम सम किड्स से और कुछ बच्चे हैं जो मुझे लंगड़ा लैम कहते हैं हैवेंट यू हर्ड देम क्या तुमने उनको ऐसा कहते हुए नहीं सुना यू विल तुमने सुना होगा लैमी लैम तुमने सुना होगा लंगड़ा लैम कहते हुए इट फिट्स यह ठीक है डजंट ट्रबल मी इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती है डेरी बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप और डेरी कहते हैं परंतु तुम ट्राउजर्स पहन सकते हो पैजामा पहन सकते हो एंड कवर इट अप और इसको पूरी तरह से ढक सकते हो एंड नो वन सीज और कोई भी नहीं देखता फिर कोई भी नहीं देखेगा दे डोंट हैव टू नोटिस एन स्टेयर और फिर ना तो उस पर वो लोग इस पर ध्यान देंगे और ना ही फिर घूरेंगे मिस्टर लैम सम डू सम डोंट तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि सम लोग कुछ लोग देखते हैं सम डोंट और कुछ लोग नहीं देखते दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड और जो लोग मुझको घूरते हैं वो आखिरी में मुझको घूरते घूरते मुझको देखते देखते थक जाते हैं देयर्स प्लेंटी ऑफ अदर्स थिंग्स टू स्टेयर एट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूरने के लिए देखने के लिए डेरी लाइक माई फेस तो डेरी बोलता है जैसे कि मेरा चेहरा मिस्टर लैम लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स तो मिस्टर लैम बोलते हैं जैसे कि जंगली सेब जंगली पौधे या फिर वह मकड़ी जो रेशमी सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ती है और माई टॉल सनफ्लावर्स और मेरे बड़े बड़े सूरजमुखी के फूल डेरी बोलते हैं थिंग्स चीज़ें मिस्टर लैम इट्स ऑल रिलेटिव तो मिस्टर लैम बोलते हैं ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं ब्यूटी एंड द पीस सुंदरता और जानवर डेरी व्हाट्स दैट सपोज टू मी तो डेरी बोलता है कि तुमने ऐसा निष्कर्ष कैसे निकाला मिस्टर लैम यू टेल मी तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम मुझे बताओ डेरी यू नीडेंट थिंक दैट दे हैवेंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर तो डेरी बोलते हैं तुमको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उन लोगों ने मुझको ऐसी कोई फेरी टेल नहीं बताई मुझे ऐसी कोई परियों की कथा नहीं सुनाई इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक ये ऐसा नहीं है कि जैसा कि तुम दिखते हो इट्स वॉट यू आर इनसाइड ये वह है जो आपके अंदर है इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक आप जैसे दिखते हो वैसा नहीं है इट्स वॉट यू आर इनसाइड मतलब
सुंदरता वह नहीं है जो दिखाई देती है, इट्स वॉट यू आर इनसाइड। सुंदरता तो वो है जो अंदर रहती है। हैंडसम इज एज हैंडसम, हैंडसम इज एज हैंडसम डज। और बोलते हैं हैंडसम इज एज हैंडसम डज, बोलते हैं हैंडसम वह है, सुंदर वह है जो सुंदर कार्य करता है। ब्यूटी लव द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेस्ड इट टू अ हैंडसम प्रिंस। तो बोलते हैं एक बार जो ब्यूटी थी, जो सुंदरता थी, वो एक दैत्याकार जानवर को लव करती थी, प्रेम करती थी। व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस, और जब उसने उस दैत्याकार जानवर को किस किया, चूमा, तो वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया था। ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर बीस्ट। आई वॉन्ट चेंज। तो डेरी बोलता है ओनली ही वुड नॉट, केवल वही है जो चेंज नहीं होगा। ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर बीस्ट, वह हमेशा से ही एक दैत्याकार जानवर के रूप में रहेगा। आई वॉन्ट चेंज, मैं कभी भी नहीं बदलूंगा। मिस्टर लैम, इन वॉट वे? नो यू वॉन्ट। तो मिस्टर लैम बोलते हैं ठीक उसी तरीके से, नहीं, यू वॉन्ट, तुम नहीं बदलोगे। डेरी, एंड नो वन विल किस मी, और कोई भी मुझे किस नहीं करेगा, एवर, कभी नहीं करेगा। ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, केवल मेरी माँ ही है जो मुझको किस करती है, और वो भी मेरे चेहरे के दूसरे साइड में किस करती है, जो जला हुआ नहीं है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मैं नहीं चाहता कि जो मेरी माँ है वो मुझको किस करे। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, और वह मुझको किस करती है क्योंकि उसको ऐसा करना चाहिए। वाई शुड आई लाइक दैट, मैं उसको क्यों पसंद करूँ। आई डोंट केयर इफ एनी बडी नो बडी एवर किसेस मी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि कोई मुझको कभी किस नहीं करता। मिस्टर लैम, आह, बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम। तो मिस्टर लैम बोलते आह, बट डू यू केयर, क्या तुमको परवाह है कि कोई तुमको कभी किस नहीं करेगा। डेरी, वॉट, क्या। मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लड़कियाँ, सुंदर लड़कियाँ, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, लंबे बाल और बड़ी बड़ी आँखों वाली, पीपल यू लव, वे लोग जो तुमको लव करते हैं, पसंद करते हैं, क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं है कि वो तुमको कभी किस करेंगे। डेरी, हु वुड लेट मी, कौन मुझको किस करने देगा। नॉट वन, कोई भी नहीं ऐसा करने देगा। मिस्टर लैम, हु कैन टेल, किसने तुमको ये बताया। डेरी, आई वोंट एवर लुक डिफरेंट। डेरी बोलता है मैं कभी भी अलग नहीं दिखूँगा, मतलब मेरा जो चेहरा है वो हमेशा ही ऐसा ही रहेगा। When I am as old as you, I will look the same। बोलते हैं जब मैं तुम्हारे जैसा भी बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी मैं ऐसे ही दिखूँगा। I'll still only have half a face, और उस समय भी मेरे पास केवल आधा ही चेहरा होगा। मिस्टर लैम, सो यू विल, ठीक है तुम्हारे होगा, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, परंतु विश्व का, वर्ल्ड का हाफ चेहरा नहीं होगा। तुम्हारा चेहरा होगा हाफ, बट वर्ल्ड का जो फेस है वो आधा नहीं होगा, जो संसार है वो आधा नहीं होगा। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस, और जो संसार है, जो विश्व है, इसका पूरा चेहरा है। एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और वहाँ जो संसार है वह देखने लायक है। डेरी, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड। डेरी बोलते हैं क्या तुम सोचते हो कि यही संसार है। दिस ओल्ड गार्डन, यह पुराना बगीचा, यही संसार है। मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ हूँ, नॉट द ओनली वन, केवल अकेला नहीं हूँ, बट द वर्ल्ड,
एज मच एज एनीवेयर, परंतु यहाँ पे संसार भी है, उतना ही संसार है जैसा कि और भी दूसरी जगह संसार है। डेरी, डज योर लेग हर्ट यू, फिर जो डेरी बोलता है कि क्या ये जो पैर है तुमको तकलीफ देता है, तुमको इससे तकलीफ होती है। मिस्टर लैम, टिन डजंट हर्ट बॉय, तो मिस्टर लैम बोलते हैं लड़के जो टिन है, जो लोहा है, वो कभी दर्द नहीं देता। डेरी, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, तो डेरी बोलता है कि जब ये तुम्हारा मतलब तुम्हारे शरीर से अलग हुआ था, जब तुम्हारा पैर टूटा था, तब क्या तुमको दर्द नहीं हुआ था। तो मिस्टर लैम बोलते सर्टेनली, हाँ हुआ था। डेरी, एंड नाउ, और अब, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, तो डेरी बोलता है और अब दर्द होता है। आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, मेरे कहने का मतलब जहाँ पर लोहा रुकता है, लोहे का ऊपरी सिरा। मिस्टर लैम, नाउ एंड देन, अब और फिर, इन विट वेदर, जब वेदर विट होता है, जब बादल का मौसम होता है, उस समय दर्द होता है। इट डजंट सिग्निफाई, परंतु यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। डेरी, ओह, अरे, दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, और कुछ ऐसा है जैसा कि वे लोग कहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन, बोलते हैं उन लोगों को देखो जो दर्द में हैं, एंड ब्रेव, और फिर भी वो ब्रेव हैं, बहादुर हैं। एंड नेवर क्राई, और कभी भी नहीं रोते। एंड नेवर कंप्लेन, और कभी भी शिकायत भी नहीं करते। एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और अपने आप पर कभी उनको सॉरी भी फील नहीं होता, खेद भी नहीं होता है। मिस्टर लैम, आई हैव इट सेड, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। डेरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन, और बोलते हैं कि उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी ज़्यादा, जिनकी कंडीशन तुमसे भी ज़्यादा बुरी है। थिंक, सोचो, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, अगर तुम ब्लाइंड हो जाते, अंधे हो जाते, और बॉर्न डीफ, या फिर जन्म से ही बहरे होते, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, या फिर तुमको व्हील चेयर में रहना पड़ता, और बी ड्राफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, और या फिर तुम पागल हो गए होते, या फिर ड्रिबल हो गए होते, तुम्हारे घावों से पस बहरा होता, तो उस समय तुम्हारी क्या कंडीशन होती, सोचो जरा क्या होता। एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, और यह सब ठीक है, एंड यू नो यू इट, और तुम अच्छे से जानते हो। इट वोंट मेक माई फेस चेंज, इससे मेरा जो फेस है, जो मेरा चेहरा है, वह नहीं बदलेगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वन डे अ वूमेन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, क्या तुम जानते हो कि एक दिन एक महिला स्ट्रीट में, गली में मेरे पास से गुजरी। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं एक बस स्टॉप पर था। एंड शी वॉज विद अनदर वूमेन, और वह एक दूसरी महिला के साथ थी। एंड शी लुकड एट मी एंड शी सेड विस्पर्ड, ओनली आई ही हर्ड हर, और बोलते हैं कि शी लुकड एट मी, उसने मुझको देखा। एंड शी सेड विस्पर्ड, और वो थोड़ा सा फुसफुसाई, धीरे धीरे उसने बात की। ओनली आई हर्ड हर, उसने इतने धीरे से बात की कि केवल मैंने ही सुना। शी सेड, उसने कहा, लुक एट दैट, उसको देखो। दैट्स अ टेरेबल थिंग, कितनी भयानक चीज़ है। दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, ऐसा चेहरा जिसको केवल एक माँ ही प्यार कर सकती है, एक माँ ही लव कर सकती है। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरी थिंग यू हियर देन, तो मिस्टर लैम बोलते हैं, सो यू बिलीव एवरी थिंग यू हियर देन, बोलते हैं तो फिर क्या तुमने जो चीज़ सुना उन सभी बातों पे तुम विश्वास करते हो। तो डेरी बोलता है, इट वॉज क्रूएल, हाँ, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्रूएल, ये बहुत ही, जो मैंने सुना वो बहुत ही क्रूएल था। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मीन्ट एज सच, जस्ट समथिंग सेट बिटवीन देम, मे बी नॉट मीन्ट एज सच,
बोलते, हो सकता है जो तुमने सुना हो वो सच ना हो, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, हो सकता है उन्होंने सिर्फ आपस में कुछ ऐसी बात की हो। डेरी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। तो डेरी बोलता है कि केवल मैंने ही वो बात सुनी थी, आई हर्ड, मैंने सुना था। मिस्टर लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनी वन से इन योर लाइफ, एंड इज दैट द ओनली थिंग। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि क्या केवल यही एक चीज़ है जो हमेशा लोगों को कहते हुए सुनते हो तुम अपनी लाइफ में? क्या तुमने अपने लाइफ में लोगों को सिर्फ यही सुनते कहते हुए सुना है? डेरी, ओ नो, अरे नहीं, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, तो फिर तुम अपने कानों को बंद करके रखो। यू आर पेकुलियर, जो डेरी बोलता है तुम बहुत विचित्र हो। यू से पेकुलियर थिंग्स, तुम बहुत ही विचित्र बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम ऐसे सवाल पूछते हो जिन्हें मैं नहीं समझ पाता। मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, मिस्टर लैम बोलते हैं मुझे बात करना पसंद है। हैव कंपनी, लोगों के साथ रहना पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, और तुम्हारे पास क्वेश्चंस के सवालों के आंसर नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, तो फिर तुमको यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। द गेट्स ओपन, और जो गेट है वो खुला है। डेरी, यस, हाँ, बट, परंतु। मिस्टर लैम, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि वहाँ पर उन पेड़ों के पीछे मेरे पास मधुमक्खियों का छत्ता है। सम हियर बीज एंड दे से बीज बस, बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग टाइम दे हम, एंड हम मीन्स सिंग, आई हियर देम सिंगिंग माई बीज। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि वहाँ पर उन पेड़ों के पीछे मेरे पास मधुमक्खियों का छत्ता है। कुछ लोग मधुमक्खियों को सुनते हैं और कहते हैं कि बीज बस जो मधुमक्खियाँ हैं वो भिनभिनाती हैं, बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग वाइल, परंतु जब मधुमक्खियों को आप काफ़ी समय तक सुनते हैं, दे हम, वो गुनगुनाते हैं, एंड हम मीन्स सिंग, और गुनगुनाने का मतलब होता है गाना। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, और मैं अपने मधुमक्खियों को गुनगुनाते हुए सुनता हूँ, उनका सॉन्ग सुनता हूँ। डेरी, बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट When I looked over the wall, तो डेरी बोलता है परंतु I liked it here, मुझे यहाँ पसंद है, मुझे यहाँ रहना पसंद है। I came in because I liked it, मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे यह पसंद था। When I looked over the wall, जब मैंने वहाँ ऊपर दीवार से देखा तो मुझको यह पसंद आया था। तो मिस्टर लैम, if you would seen me, you would not have come in, तो मिस्टर लैम बोलते हैं if you would seen me, यदि तुमने मुझको देख लिया होता, यू वुड नॉट हैव कम इन, तो तुम यहाँ पे नहीं आते। तो डेरी, नो, नहीं, मिस्टर लैम, नहीं, नो, मिस्टर लैम भी बोलते नहीं। तो डेरी बोलता है इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। मिस्टर लैम, आह, दैट्स नॉट व्हाई, तो मिस्टर लैम बोलते नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं है। तो डेरी बोलता है आई डोंट लाइक बींग नियर पीपल, तो डेरी बोलता है कि मुझको लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। वेन दे स्टेयर, जब वो मुझको घूरते हैं। वेन आई सी देम, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, या बिना पूछे अंदर आना होता है। मिस्टर लैम, आह, दैट्स नॉट वाई, तो मिस्टर लैम बोलते हैं आह, ऐसा नहीं है, क्यों। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, तो डेरी बोलते हैं कि मुझे लोगों के साथ होना पसंद नहीं है, उनके साथ रहना पसंद नहीं है। व्हेन दे स्टेयर, जब वो मुझको घूरते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड
ऑफ मी, और जब मैं उनको स्वयं को देखकर डरते हुए देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं उन्हें देखता हूँ कि वो मुझसे डरते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, तुम स्वयं को एक कमरे में बंद कर सकते हो, एंड नेवर लीव इट, और कभी इसे नहीं छोड़ सकते। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट। एक आदमी था जिसने ऐसा ही किया था। ही वॉज अफ्रेड, वह डरता था। यू सी, तुम देखो, ऑफ एवरी थिंग, हर चीज़ से वह डरता था। एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में, इस संसार में जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ से वह डरता था। अ बस माइट रन हिम ओवर, वह सोचता था कि एक बस उसके ऊपर से चढ़ जाएगी, और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, और एक आदमी सांस के द्वारा उसके ऊपर जहरीले कीटाणुओं को छोड़ देगा, और एक डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और वो सोचता था कि कहीं कोई गधा उसको किक न मार दे और उसकी मृत्यु हो जाए, और लाइटिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और कहीं बिजली की चमक से वह गिर ना जाए और मर जाए, और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि वह एक लड़की के प्रेम में पड़ जाए और वह लड़की उसको छोड़कर चली जाए, एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, और वह सोचता था कि वह एक केले के छिलके पर फिसल भी सकता है, एंड फॉल, और गिर सकता है, एंड पीपल हु सा हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और जो लोग उसको ऐसा देखते थे, ऐसा करते हुए, ऐसा सोचते हुए उसको देखते थे, वे लोग उसके सनकीपन पर हंसते थे। सो ही वेंट इन टू हिज दिस रूम, इसलिए वह अपने कमरे में गया, एंड लॉक द रूम डोर, और उसने दरवाजे को बंद कर दिया, एंड गॉट इन टू हिज बेड, और अपने बिस्तर पे चला गया, एंड स्टेड देयर, और वहीं रहा। डेरी फॉर एवर, हमेशा के लिए, कब तक? मिस्टर लैम, फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए। डेरी देन व्हाट, तो फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड देम। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि दीवार से एक पिक्चर, एक तस्वीर उसके सिर पर गिरी और वह मर गया। किल्ड हिम, और उसको मार डाला। डेरी लव्स अ लॉट, और जब डेरी ऐसा सुनता है तो खुद जोर जोर से हंसता है। मिस्टर लैम, यू सी, तुम देखो। डेरी, बट यू स्टिल से पेकुलियर थिंग्स। तो डेरी बोलते हैं, परंतु तुम अभी भी विचित्र बातें करते हो। मिस्टर लैम, पेकुलियर टू सम। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, कुछ लोगों के लिए मेरी बातें विचित्र हैं। डेरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे। तो डेरी कहते हैं, तुम पूरा दिन क्या करते हो। मिस्टर लैम, सिट इन द सन, रीड बुक्स। आ, यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, बट इनसाइड इट्स फुल बुक्स एंड अदर्स थिंग्स फुल। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, सिट इन द सन, धूप में बैठता हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ। आ, अरे, यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुम सोचते थे यह जो घर है खाली घर है, बट इनसाइड इट्स फुल बुक्स एंड अदर थिंग्स, परंतु यह अंदर से किताबों से और दूसरी चीज़ों से भरा हुआ पूरी तरह से फुल है। डेरी, बट देयर आरंट एनी कर्टेंस एट द विंडोज। तो डेरी बोलते हैं, परंतु यहाँ पर खिड़कियों पर कहीं भी कोई भी कर्टेन नहीं, कहीं भी पर्दे नहीं हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, आई एम नॉट फंड ऑफ कर्टेंस, मुझे कर्टेंस, मुझे पर्दे पसंद नहीं हैं। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, मुझे चीज़ों को बाहर से बंद करना और चीज़ों को अंदर से बंद करना पसंद नहीं है। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे प्रकाश पसंद है, लाइट पसंद है, और अंधकार पसंद है। एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड, और मुझे खुली हुई विंडोज पसंद है, खिड़कियाँ पसंद है, ताकि मैं हवाओं को सुन सकूं। डेरी, येस आई लाइक दैट, हाँ मुझे भी यह सब पसंद है। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बारिश हो रही होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, जब बारिश हो रही होती है तो मुझे इसको छत पर सुनना पसंद आता है।
मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट, मतलब कि तुम खोए हुए नहीं हो. आर यू, क्या तुम हो? नॉट ऑल टुगेदर, तुम पूरी तरह से खोए हुए नहीं हो. यू डू हियर थिंग्स, तुम चीज़ों को सुनते हो. यू लिसन, तुम सुनते हो. डेरी, दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बातें करते. डाउन स्टेयर्स, नीचे सीढ़ियों पर. व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पे नहीं होता हूँ. व्हाट विल ही एवर डू, कि यह क्या करेगा. व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, इसके साथ क्या होने वाला है, इसके साथ क्या होगा जब हम यहाँ नहीं रहेंगे. हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, यह इस वर्ल्ड में क्या करेगा. लुकिंग लाइक दैट, इस तरह का जो दिख रहा है, इसका जो चेहरा है, इस तरह से जो है, ऐसा होने पर यह क्या करेगा. विद दैट ऑन हिज फेस, इस चेहरे के साथ. दैट्स व्हाट दे से, यही सब बातें हैं जो वो लोग मेरे बारे में कहते हैं. मिस्टर लैम, लॉर्ड बॉय, यू हैव गॉट टू आर्म्स, अरे लड़के, लॉर्ड, भगवान ने तुमको दो हाथ दिए हैं. टू लेग्स एंड आईज एंड ईयर्स, यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन. तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि अरे लड़के, भगवान ने तुमको दो हाथ, दो पैर, दो आंखें और दो कान दिए हैं. यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन, और तुम्हारे एक जीभ और एक दिमाग भी है. यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, और तुम कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हो जो तुम चाहते हो. लाइक ऑल द रेस्ट एंड इफ़ यू चूज, जितनी भी चीज़ें इस वर्ल्ड में जो बाकी हैं, जो बची हुई हैं, जो अभी तुम्हारे पास नहीं है, उनको भी प्राप्त कर सकते हो. एंड इफ़ यू चूज, यदि तुम चूज़ करते हो, निश्चय करते हो. एंड सेट योर माइंड टू इट, और अपने ध्यान को सिर्फ इसी ओर लगाते हो. यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तुम औरों से ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो. डेरी, हाउ, कैसे. मिस्टर लैम, सेम वे एज आई डू, तो मिस्टर लैम बोलते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे कि मैं करता हूँ. डेरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, तो डेरी बोलते हैं क्या तुम्हारे कोई दोस्त है. मिस्टर लैम, हंड्रेड्स, हज़ारों दोस्त हैं. बट You live by yourself in that house. It's a big house too. तो डेरी बोलते हैं परंतु तुम इस घर में अकेले ही रहते हो. It's a big house too. और ये जो house है ये बहुत बड़ा है. Mr. Lam, friends everywhere. People come in. Everybody knows me. The gates always open. They come and sit here and in front of the fire in winter. Kids come for the apples and pears. And for toffee, I make toffee with honey. Anybody comes, so have you. तो मिस्टर लैम बोलते हैं friends everywhere, जो मेरे दोस्त हैं वो हर जगह हैं. People come in, लोग अंदर आते हैं. Everybody knows me, हर कोई मुझको जानता है. The gates always open, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है. They come and sit here, वे आते हैं और यहाँ बैठते हैं. And in front of the fire in winter, और विंटर में, सर्दियों के मौसम में, वो आग के सामने भी आकर बैठते हैं. किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, और जो बच्चे हैं वो एप्पल्स के लिए, पियर्स के लिए, सेबों के लिए और नाशपातियों के लिए यहाँ आते हैं. एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ी के लिए भी वो यहाँ आते हैं. आई मेक टॉफ़ी विद हनी, मैं हनी से, शहद से टॉफ़ी बनाता हूँ. एनी बडी कम्स, हर कोई यहाँ पर आता है, कोई भी यहाँ पर आता है. सो हैव यू, जैसे कि तुम आए हो. डेरी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, डेरी कहता है परंतु मैं दोस्त नहीं हूँ. मिस्टर लैम, सर्टेनली यू आर, निश्चित ही तुम हो. सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ. वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, ऐसा कैसे तुमने सोच लिया कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो. डेरी, यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वाट माई नेम इज़. तो डेरी बोलते तुम मुझको नहीं जानते. यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ. और इवन वॉट माई नेम इज़, और यहाँ तक कि तुम मेरा नाम तक नहीं जानते. मिस्टर लैम,
वाई शुड दैट सिग्निफाई, ये सब महत्वपूर्ण क्यों है? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पार्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फाइलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड? तो ये सब महत्वपूर्ण क्यों है? क्या मुझको तुम्हारे फ्रेंड बनने से पहले मुझे तुम्हारे बारे में सब जांच पड़ताल करनी थी और उसको एक पेपर में लिख के रखना था और बॉक्स में बंद करके रख लेना चाहिए था? यू कैन बी अ फ्रेंड एक दोस्त बनने से पहले? डेडी आई सपोज नॉट, नो, मैं मानता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है. मिस्टर लैम, यू कुड टेल मी योर नेम, तुम मुझको अपना नाम बता सकते हो, इफ़ यू चूज, यदि तुम्हें पसंद हो तो, एंड नॉट इफ़ यू डोंट, और यदि तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ. डेरी, ओनली इट्स डेरिक, तो डेरी कहता है डेरी मेरा नाम है, ओनली इट्स डेरिक, केवल डेरिक, केवल यह डेरिक है. बट आई हेट दैट, परंतु मुझे डेरिक सबसे नफरत है. डेरी, इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, और यदि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मुझे तुम उस नाम से कभी नहीं बुलाना. आई चूज दैट, मुझको वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है. मिस्टर लैम सर्टेन, मिस्टर लैम बोलते हैं निश्चित है. डेरी, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन, एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी योर फ्रेंड. तो मिस डेरी बोलता है कि हो सकता है कि अब मैं दोबारा यहाँ ना आऊँ, हो सकता है कि तुम मुझको कभी दोबारा मत देखो, एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी योर फ्रेंड, और फिर हम दोनों एक दोस्त बनकर नहीं रहेंगे. मिस्टर लैम, वाई नॉट, क्यों नहीं होंगे हम दोस्त? डेरी, हाउ कुड आई, मैं कैसे तुम्हारा दोस्त होऊंगा? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, तुम स्ट्रीट में गली में लोगों के पास से गुजरते हो, एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, यहाँ तक कि तुम उनसे बात भी करते हो, बट यू नेवर सी देम अगेन, परंतु तुम उनको फिर से दोबारा नहीं देखते. इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि वे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि वे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं. मिस्टर लैम, डजेंट मीन दे आर एनिमीज आइदर डज इट, तो मिस्टर लैम बोलते हैं फिर इसका मतलब तो ये भी नहीं है कि वे तुम्हारे दुश्मन हैं, क्या ऐसा है? डेरी, नो, दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल. तो डेरी बोलता नहीं, वे केवल कुछ नहीं हैं, केवल लोग हैं, पीपल हैं, दैट्स ऑल, और बस. मिस्टर लैम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग नेवर. मिस्टर लैम बोलते हैं कि लोग कभी भी केवल कुछ नहीं होते, कभी नहीं होते. डेरी, देयर आर सम पीपल आई हेट, तो डेरी बोलता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ. मिस्टर लैम, दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड ओनली बर्न्स योर फेस. तो मिस्टर लैम बोलते हैं फिर तो जिन लोगों से तुम नफरत करते हो वो लोग तो तुमको और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे, और भी ज़्यादा हानि पहुँचाएंगे, एक एसिड के बॉटल से भी ज़्यादा. एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, और एसिड ने तो केवल तुम्हारे चेहरे को जलाया है. डेरी, ओनली, ओनली फेस, केवल चेहरे को जलाया है? मिस्टर लैम, लाइक अ बम ओनली ब्लू अप माई लिप, जैसे कि बम से, एक बम से केवल मेरी एक टांग ही चली गई थी. देयर्स वर्स थिंग्स कैन हैपन, और भी बुरी चीज़ें हो सकती थी. यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम अपने आप को अंदर से भी जला सकते थे. डेरी, आफ्टर आई वुड कम होम, वन पर्सन सैड बोलता है कि जब मैं घर आया, एक पर्सन ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा, ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, इसको तो वहीं पे रुकना चाहिए था, अच्छा होता कि ये वहीं पे रहता, वहीं पे रुकता, इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ही रहता. ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, यह अपने जैसे लोगों के साथ ही अच्छे तरीके से रह सकता है. शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल, और वह सोचती थी कि जो ब्लाइंड लोग हैं, अंधे लोग हैं, उनको अंधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए. एंड इडियट बॉयज विद इडियट बॉयज, और वो सोचती थी कि जो
मूर्ख लड़के हैं उनको मूर्ख लड़कों के साथ ही रहना चाहिए। मिस्टर लैम, एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, फिर तो तुम्हारे कहने का मतलब है जिनके लेग नहीं है उनको एक साथ रहना चाहिए क्या? डैडी, दैट्स राइट, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ड वुड दैट बी। अगर ऐसा हो जाए तो फिर विश्व का क्या रूप होगा, विश्व किस प्रकार का होगा? डैडी, एट लीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक देम। तो डैडी बोलता है, कम से कम वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुमको घूर कर देखेगा, क्योंकि तुम उन लोगों के जैसे नहीं रहोगे। मिस्टर लैम, यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बन फेसेस। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम सोचते हो कि तुम भी उन्हीं लोगों के जैसे हो जैसे कि दूसरे जले हुए चेहरे वाले लोग हैं, जस्ट बाई वॉट यू लुक लाइक, सिर्फ इसलिए कि तुम लोग एक जैसे दिखते हो। एवरी थिंग्स डिफरेंट, अरे हर चीज़ डिफरेंट है। एवरी थिंग्स द सेम, हर चीज़ एक जैसी, बट एवरी थिंग इज डिफरेंट, पर हर चीज़ अलग है। इट्स सेल्फ, अपने आप में हर चीज़ अलग है। डेरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, तुमने यह सब निष्कर्ष कैसे निकाला? मिस्टर लैम वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, तो मिस्टर लैम बोलते हैं, देख कर सुन कर और सोच कर मैं यह सब निष्कर्ष निकाला। डेरी, आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टन्स। तो डेरी बोलता है, मुझे इस गार्डन की जैसे जगह पसंद है, मुझे एक घर पसंद है जिसमें कर्टेन ना हो। आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टन्स, मुझे बिना कर्टेन वाला घर पसंद है। मिस्टर लैम, द गेट्स ऑलवेज ओपन, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि दरवाज़ा हमेशा खुला है। डेरी, बट दिस इजंट मी माइंड, तो डेरी बोलता है परंतु यह मेरा नहीं है। मिस्टर लैम, एवरी थिंग्स योर्स इफ़ यू वॉन्ट इट, तो मिस्टर लैम बोलते हर चीज़ तुम्हारी है यदि तुम चाहते हो। व्हाट्स माइन इज एनीबडीज, जो मेरा है वह हर किसी का है। डेरी, सो आई कुड कम हियर अगेन, तो क्या मैं यहाँ फिर से आ सकता हूँ? इवन इफ़ यू आर आउट, यहाँ तक कि जब आप बाहर हो, आई कुड कम हियर, मैं यहाँ आ सकता हूँ? मिस्टर लैम, सर्टेनली, निश्चित ही, यू माइट फाइंड अदर्स हियर, हो सकता है तुम यहाँ पे दूसरों को पाओ, ऑफ कोर्स, निश्चित ही। डेरी, ओ मिस्टर लैम, वेल ठीक है, दैट नीड नॉट स्टॉप यू, परंतु तुमको रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुमको यहाँ आना। यू नीड नॉट माइंड, तुमको ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। डेरी, इट वुड स्टॉप देम, तो डेरी बोलता है अगर मैं यहाँ आऊँगा तो वही लोग रुक जाएंगे, वो लोग ही यहाँ नहीं आएंगे। दे वुड माइंड मी, मैं उनको माइंड नहीं करूँगा, मैं उन पर ध्यान नहीं दूँगा, वो लोग मुझ पर ध्यान देंगे। विन दे सा मी हेयर, जब वो मुझको यहाँ पर देखेंगे, दे लुक एट माई फेस, वो मेरे चेहरे को देखेंगे एंड रन, और यहाँ से भाग जाएंगे। मिस्टर लैम, दे माइट, हो सकता है, दे माइट नॉट, नहीं भी हो सकता है। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुमको जोखिम उठाना पड़ेगा। सो वुड दे, हो सकता है उसी तरह उनको जोखिम उठाना पड़े। डेरी, नो यू वुड, तो डेरी बोलते नहीं, तुम जोखिम उठाओगे। यू माइट हैव मी, शायद हो सकता है कि तुम मुझको यहाँ पाओ। एंड लॉस ऑल यूअर अदर फ्रेंड्स, और अपने दूसरे सभी दोस्तों को खो दो। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट, क्योंकि कोई भी मेरे साथ नहीं रह सकता है, अगर वो चाहें भी तो भी वो मेरे साथ नहीं रुक सकते हैं। मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं विचलित हुआ हूँ। डेरी, नो, तो डेरी बोलते हैं नहीं। मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि जब मैं नीचे स्ट्रीट में जाता हूँ, गली में जाता हूँ, द किड्स साउट लैमी लैम, जो बच्चे हैं वो लंगड़ा लैम कहकर चिल्लाते हैं, बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन
इनटू माय हाउस, लेकिन फिर भी वो गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं। इट्स अ गेम, यह एक खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, और वो लोग मुझसे डरते नहीं हैं। वाई शुड दे बी, उनको क्यों डरना चाहिए? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ। दैट्स वाई नॉट, और यही रीज़न है, यही कारण है कि वो लोग भी मुझसे नहीं डरते हैं। डेरी, डिड यू गेट यूअर लेग ब्लोन ऑफ इन द वार? तो डेरी बोलते हैं, क्या वार में, क्या युद्ध में तुम्हारा पैर कट गया था? तो मिस्टर लैम बोलते, सर्टेनली, निश्चित ही। डेरी, हाउ विल यू क्लाइम ऑन ए लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देयर? तो डेरी बोलता है कि फिर तुम लैडर में कैसे चढ़ते हो, सीढ़ी में कैसे चढ़ पाओगे, और इन क्रैब एप्पल्स को, इन जंगली सेबों को फिर कैसे गिराओगे? मिस्टर लैम, ओह, अरे, देयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आई हैव लर्न टू डू, जिनको मैंने करना सीख लिया है, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और इसके लिए मेरे पास बहुत समय रहता है, ईयर्स, सालों तक। आई टेक इट स्टडी, मैं लगातार ये सब सीखते आया हूँ, करते आया हूँ। डेरी, इफ़ यू फेल, डेरी बोलता है, इफ़ यू फेल, यदि तुम गिर गए एंड ब्रोक यूअर नेक, और तुमने अपनी गर्दन तोड़वा ली, यू वुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, और तुम घास पर गिर कर मर भी सकते हो। इफ़ यू आर ऑन यूअर ऑन, यदि तुम यह काम अपने आप करते हो तो। मिस्टर लैम, आई कुड, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ, हो सकता है मेरे साथ ऐसा हो। डेरी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, तो डेरी बोलते हैं कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते, इफ़ यू वॉन्ट टू, तो मिस्टर लैम बोलते, यदि तुम चाहते हो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। डेरी, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, तो डेरी बोलते हैं कि परंतु जो मेरी माँ है वो जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड्स, और बोलते हैं कि यह जो घर है यहाँ से 3 miles दूर है, खेतों के उस पार 3 miles दूर है मेरा घर। आई एम 14, मैं 14 years का हूँ, मैं 14 साल का हूँ। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, परंतु फिर भी वो जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लैम, पीपल वरी, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि जो लोग हैं वो चिंता करते हैं। डेरी, पीपल फर्स्ट, तो डेरी बोलते हैं कि लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि ठीक है, वापस जाओ और उनको बता दो। डेरी, इट्स 3 miles, तो डेरी बोलते हैं कि यह 3 miles दूर है। मिस्टर लैम, इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेट्स, और मिस्टर लैम बोलते हैं कि यह जो शाम है बहुत ही सुहानी है, यह एक सुहानी शाम है। यू हैव गॉट लेट्स, और तुम्हारे पैर भी हैं। डेरी, वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, तो डेरी बोलता है कि यदि मैं एक बार घर चला गया वो मुझे कभी भी वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम, वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट यूअर सेल्फ कम बैक, तो मिस्टर लैम बोलते हैं एक बार तुम घर चले गए तो तुम स्वयं ही अपने आप को कभी वापस नहीं आने दोगे। डेरी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तो डेरी बोलता है तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, नो, ओनली यू नो दैट, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं, केवल तुम ही यह जानते हो। डेरी, इफ़ आई चूज, तो डेरी बोलते हैं यदि मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, इफ़ यू चूज, यदि तुम चाहते हो तो आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, लड़के मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ। आई कॉन्ट टेल यू वॉट टू डू, मैं तुमको नहीं बता सकता हूँ कि क्या करना है। डेरी, दे टेल मी, तो डेरी बोलते हैं कि वे लोग मुझको बताते हैं। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री, तो मिस्टर लैम बोलते हैं क्या तुम उनसे एग्री हो, सहमत हो। डेरी, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, तो डेरी बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ व्हाट आई वांट, कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ जिसे
कभी किसी ने नहीं प्राप्त किया हो और एवर विल है और ना वो कभी उस चीज़ को प्राप्त करेगा। समथिंग जस्ट माइन, कुछ ऐसी चीज़ जो केवल मेरी हो, लाइक दिस गार्डन, जैसे कि यह गार्डन। आई डोंट नो वॉट इट इज़, और मैं नहीं जानता हूँ कि यह क्या है। मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड आउट, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम स्वयं ढूंढ सकते हो। डेरी, हाउ, तो डेरी बोलते हैं हाउ, कैसे मैं ढूंढ सकता हूँ। मिस्टर लैम, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर और गोइंग देयर, आई हैव टू सी टू द बीच, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि इंतज़ार करके, देख कर, सुन कर, सिटिंग हियर, यहाँ बैठ कर, और गोइंग देयर, वहाँ जाकर तुम ढूंढ सकते हो कि तुम क्या चाहते हो। आई हैव टू सी टू द बीज, मुझको मधुमक्खियों को देखना है। डेरी, दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स, तो फिर डेरी पूछते हैं कि वे दूसरे लोग जो यहाँ पे आते हैं, डू दे टॉक टू यू, क्या वे तुमसे बात करते हैं, आस्क यू थिंग्स, तुमसे चीज़ों के बारे में पूछते हैं। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न, तो मिस्टर लैम बोलते हैं सम डू, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ, आई लाइक टू लर्न, मुझे सीखना पसंद है। डेरी, आई डोंट बिलीव इन देम, तो डेरी बोलते हैं कि मुझे उन लोगों पर विश्वास नहीं होता, मैं उन लोगों पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनी बडी एवर कम्स, मैं नहीं सोचता कि कोई यहाँ आता होगा। यू आर हियर ऑल बाई योर सेल्फ, और तुम ही यहाँ केवल अकेले रहते हो, एंड माइजरेबल, और दुखी रहते हो, एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड, और कोई भी यह जानना नहीं चाहता कि तुम जिंदा हो या मर गए हो। एंड नो बडी केयर्स, और कोई भी तुम्हारी केयर नहीं करता, कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करता। मिस्टर लैम, यू थिंक वॉट यू प्लीज, तो मिस्टर लैम बोलते हैं जैसा तुम चाहो वैसा सोच सकते हो। डेरी, ऑल राइट देन, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, तो डेरी बोलता है ठीक है, तो फिर मुझे उन लोगों के नाम बताओ, उनमें से कुछ लोगों के नाम बताओ। मिस्टर लैम, व्हाट आर नाम नेम्स, क्या नाम है। टॉम, डिक और हैरी, गेटिंग अप, आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, उठते हुए, और बोलता है आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, मुझे मधुमक्खियों के पास जाना है। डेरी, आई थिंक यू आर डाफ्ट, क्रेजी, तो डेरी बोलता है मैं सोचता हूँ कि तुम डाफ्ट हो, झक्की हो, क्रेजी हो, सनकी हो। मिस्टर लैम, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, तो मिस्टर लैम बोलते यह बहुत अच्छा बहाना है। डेरी, वॉट फॉर, कैसा बहाना, किस लिए। यू डोंट टॉक सेंस, तुम अच्छी बातें नहीं करते हो। मिस्टर लैम, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, वापस ना आने का अच्छा बहाना है। एंड यू हैव गॉट अ बर्न अप फेस, और तुम्हारा जो चेहरा है वह जल गया है। एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और यह दूसरे लोगों के लिए अच्छा बहाना है। डेरी, यू आर लाइक द अदर्स, तो डेरी बोलता है तुम भी दूसरे लोगों के जैसे हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, और तुम भी दूसरों के जैसे ही, दूसरे लोगों के जैसे ही बातें करते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यदि तुमको मेरे फेस पे सॉरी नहीं होता, दुख नहीं होता, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तो फिर तुम डरे हुए हो, डर गए हो। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और यदि तुम भयभीत नहीं हो, डरे हुए नहीं हो, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, तो तुम ये सोचते हो कि मैं एक डेविल के जैसे, एक शैतान के जैसे अगली हूँ, कुरूप हूँ। आई एम अ डेविल, मैं एक शैतान हूँ, डोंट यू, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो, साउट्स चिल्लाता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम कोई भी उत्तर नहीं देते हैं। ही हैज़ गॉन टू हिस बीस, वो अपनी बीस की तरफ, अपनी मधुमक्खियों की तरफ जा चुके हैं। डेरी क्वाइटली, शांति से, नो नहीं, यू डोंट, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम ऐसा नहीं सोचते हो। आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ रहना पसंद है, मुझे यह जगह पसंद है। पॉज, रुकता है। डेरी गेट्स अप, डेरी उठता है, एंड शाउट्स, और चिल्लाता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई कम बैक, परंतु मैं वापस आऊँगा।
यू सी तुम देखना, यू वेट तुम इंतज़ार करना, आई कैन रन मैं भाग सकता हूँ, आई हैवन गॉट अ टिन लेग मेरे लोहे का पैर नहीं है, आई बी बैक मैं वापस आऊँगा, डेरी रन्स ऑफ डेरी भाग जाता है, साइलेंस शांति, द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन फिर से गार्डन की आवाज़ें आने लगती हैं, मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ जो मिस्टर लैम है वो अपने आप से बोलते हैं, अपने आप से बात करते हैं, डियर माई डियर्स मेरे प्यारों मेरे प्रियो, दैट्स यू सी तुमने देखा, आ आ यू नो तुम जानते हो, वी ऑल नो हम सब जानते हैं, आई कम बैक दे नेवर डू डू नॉट दे तो बोलते हैं, हम सब जानते हैं, आई कम बैक मैं वापस आऊँगा, दे नेवर डू वो कभी नहीं आते, वे कभी ऐसा नहीं करते, डू नॉट दे यद भी वो कभी ऐसा नहीं करते, नेवर डू कम बैक कभी वापस नहीं आते, द गार्डन नॉइसेस फेड जो गार्डन की जो आवाज़ें हैं वो धीमी हो जाती हैं, सीन टू डेरीज हाउस डेरी का घर, मदर यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवेंट हर्ड थिंग्स तो मदर बोलती है तुम सोचते हो आई डोंट नो अबाउट हिम, तुम सोचते हो कि मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ, यू थिंक आई हैवेंट हर्ड थिंग्स तुम सोचते हो कि मैंने चीज़ों के बारे में नहीं सुना है, डेरी यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू आर हियर तो डेरी बोलते हैं कि तुमने जो कुछ सुना है तुमको उस पर उन सभी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मदर बीन टोल्ड वॉन्ट तो मदर बोलती है माँ बोलती है बीन टोल्ड तुमको बताया गया था, वॉन्ट तुमको सावधान किया गया था, वी हैव नॉट लिव्ड हियर थ्री मंथ्स 3 महीनों से हम यहाँ नहीं थे, बट आई नो वॉट देयर इज टू नो परंतु जो जानना चाहिए वो सब हम जानते हैं, मैं जानती हूँ, एंड यू आर नॉट टू गो बैक तो तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाना चाहिए, डेरी व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ तुम किस बात से डर रही हो, व्हाट डू यू थिंक ही इज तुम क्या सोचती हो कि वह क्या है, एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग एक बूढ़ा आदमी, एक लोहे के पैर वाला एक बूढ़ा आदमी, एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टन्स और वह एक बिना कर्टन वाला बिना पर्दों वाले बड़े से घर में रहता है, एंड हैज़ अ गार्डन और एक बगीचा है एक गार्डन है, एंड आई वॉन्ट टू बी देयर और मैं वहाँ होना चाहता हूँ, एंड सिट आई वॉन्ट टू सिट देयर मैं वहाँ बैठना चाहता हूँ, एंड लिसन टू थिंग्स और चीज़ों को मैं सुनना चाहता हूँ, लिसन एंड लुक और मैं वहाँ की चीज़ों को सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ, मदर लिसन टू व्हाट क्या सुनना चाहते हो, डेरी बी सिंगिंग मधुमक्खियों का गाना, हिम टॉकिंग उसकी बातें ये सब सुनना चाहता हूँ, मदर एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू तो मदर पूछती हैं तो फिर बताओ उसने तुमको क्या बताया है क्या कहा है किस बारे में उसने तुमसे बातें की हैं, डेरी थिंग्स दैट मैटर ऐसी चीज़ें ऐसी बातें जिनका अर्थ है, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड ऐसी बातें जिनको कभी किसी ने मुझसे नहीं कही, थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट ऐसी बातें उसने मुझसे की जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ, मदर देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग तो माँ बोलती है तो फिर तुम यहीं पे ठहरो यहीं पे रुको एंड डू योर थिंकिंग और यहीं पे सोचते रहो, यू आर बेस्ट ऑफ ईयर ये तुम यहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से हो तुम यहाँ पे ठीक हो, डेरी आई हेट इट हियर तो डेरी बोलते हैं मुझे यहाँ घृणा होती है यहाँ नफरत होती है, मदर यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से तो मदर बोलती हैं कि जो तुम कहते हो उसमें तुम स्वयं की मदद नहीं कर सकते, आई फॉरगिव यू मैं तुमको माफ़ करती हूँ, इट्स बॉर्न टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम आई डोंट ब्लेम यू तो माँ बोलती है कि तुमको यहाँ पर बैड थिंग्स महसूस करने तुमको बैड चीज़ों के बारे में बात करने महसूस कहने करने उनको कहने की पाबंदी है मनाही है, आई डोंट ब्लेम यू मैं तुमको दोषारोपण नहीं करती मैं तुम पे कोई आरोप नहीं लगाती परंतु
तुम कोई भी बैड चीज़ को, बैड थिंग्स को ना तो महसूस कर सकते हो और ना ही उनके बारे में बात कर सकते हो। डेरी, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस। तो डेरी बोलते हैं, जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, ये मेरे फेस के बारे में नहीं है। एंड वॉट आई लुक लाइक, और ना ही वो इस बारे में है कि मैं किस तरह का दिखता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट, और मुझे उस बात की परवाह भी नहीं है। एंड इट इज़न्ट इम्पॉर्टेंट, और यह इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है कि मेरा फेस कैसा है और मैं कैसा दिखता हूँ। इट्स वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर। इट्स वाट, यह ऐसी बातें हैं, वह यह है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, वॉट आई थिंक, वह यह है, वॉट आई थिंक, मैं क्या सोचता हूँ, वॉट आई फील, मैं क्या महसूस करता हूँ, एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी, कि और मैं क्या देखना चाहता हूँ, एंड वॉट आई फाइंड आउट, और मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, मैं क्या खोजना चाहता हूँ, एंड वॉट आई हियर, और मैं क्या सुनता, क्या सुनना चाहता हूँ, वॉट आई वॉन्ट टू हियर, मैं क्या सुनना चाहता हूँ, एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वहाँ पर वापस जा रहा हूँ। Only to help him with the crab apples, केवल crab apples को, उन जंगली सेबों को तोड़ने में उनकी सहायता करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जो डेरी बोलते हैं कि मेरा फेस कैसा है, मैं कैसे दिखता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है और मैं इसकी परवाह भी नहीं करता हूँ। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ और क्या खोजना चाहता हूँ, मेरे लिए ये सब इम्पॉर्टेंट है। और वो बोलते हैं कि मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ केवल उनकी मदद करने के लिए, क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, केवल मैं इसलिए जा रहा हूँ, केवल उन चीज़ों को देखने के लिए और सुनने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। बट आई एम गोइंग, परंतु मैं जा रहा हूँ। मदर, यू विल स्टॉप हियर। तो मदर बोलती है, तुमको यहीं पे रुकना होगा। डेरी, ओह नो, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, आई नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। तो डेरी बोलते, अरे नहीं, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, क्योंकि यदि मैं वहाँ वापस नहीं जाता, आई नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो मैं इस वर्ल्ड में दोबारा फिर कभी कहीं नहीं जा पाऊँगा, इस संसार में फिर कभी दोबारा कहीं नहीं जा पाऊँगा। द डोर स्लैम्स, और जो दरवाज़ा है धड़ाम से बंद होता है। डेरी रन्स, डेरी जो है भागता है, पेंटिंग हाँपते हुए, एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, और हाँपते हुए बोलता है, आई वॉन्ट द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड को चाहता हूँ, आई वॉन्ट इट, मैं इसको चाहता हूँ, आई वॉन्ट इट, मैं यह चाहता हूँ। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, और उसके जो हाँफने की जो आवाज़ है वो धीरे धीरे मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। सीन थ्री, मिस्टर लैम्स गार्डन, मिस्टर लैम का गार्डन, गार्डन साउंड्स। अब गार्डन में जो आवाज़ आती है, द नॉइस ऑफ ए ब्रांच शिफ्टिंग, एक ब्रांच की, एक डाली की शिफ्टिंग करने की, झुकने की आवाज़ आती है। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, सेबों के नीचे गिरने की आवाज़ आती है। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और ब्रांच के, डाली के फिर से झुकने की आवाज़ आती है। मिस्टर लैम, स्टेडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल। जो मिस्टर लैम है वो बोलते, स्टेडी, लगातार, दैट्स, यह, गॉट इट, मिल गया, दैट्स इट, यह यहाँ है, मोर एप्पल्स फॉल, और ज़्यादा सेब गिरते हैं। एंड अगेन, और फिर से, दैट्स इट, यह यहाँ है, एंड, और, अ क्रीक, एक सनसनाहट, अ क्रैश, एक धमाका, द लैडर फॉल्स बैक, जो लैडर है, जो सीढ़ी है, वो पीछे गिरती है, मिस्टर लैम विद इट, और जो मिस्टर लैम है वो भी उसके साथ गिरते हैं। अ थंप, एक धमाका, द ब्रांच स्विसेस बैक, जो ब्रांच है, जो डाली है, वो फिर से पीछे चरमराती है, पीछे जाती है चरमराते हुए। देन साइलेंस, फिर शांति। डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, जो डेरी है गार्डन के गेट को
खोलता है स्टिल पेंटिंग अभी भी हाँकते हुए डेरी. यू सी तुमने देखा आई केम बैक मैं वापस आ गया. यू सेड आई वुड नॉट तुमने कहा था आई वुड नॉट मैं नहीं आऊँगा. एंड दे सेड उन्होंने भी कहा था बट आई केम बैक परंतु मैं वापस आ गया. आई वॉन्टेड मैं चाहता था मैं वापस आना चाहता था. ही स्टॉप्स डेड साइलेंस वह एक मृत के समान रुकता है. साइलेंस एकदम शांति. मिस्टर लैम मिस्टर यू हैव तुम. ही रन्स थ्रू द ग्रास वह ग्रास में से घास में से भागता है. स्टॉप्स रुकता है. नील्स घुटनों के बल भागता है. मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट सब ठीक है. यू फेल तुम गिर गए. आई एम हियर मैं यहाँ हूँ. मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट मिस्टर लैम सब ठीक है. साइलेंस एकदम शांति हो जाती एकदम शांति होती है. आई केम बैक मैं वापस आ गया. लैमी लैम लंगड़े लैम मैं वापस आ गया. आई डिड मैंने किया. कम बैक मैं वापस आ गया. डेरी बिगिंस टू बी जो डेरी है वह रोना शुरू कर देता है. ओके थैंक यू.